हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट सरप्राइज आपको यूनिवर्स क्या देने वाले हैं। और यहाँ पे तीन हमारे पास डेक्स हैं, तो यहाँ पे एक गोल्डन लीफ है, यहाँ पे एक फिश है और यहाँ एक टॉर्टल्स है। तो आप जिसके भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज कर लीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स का सरप्राइज है। चलिए चेक करते हैं। लेडी, द मैजिशियन, थ्री ऑफ मून। ओके, तो अगर मैं आपकी तरफ एनर्जी आते हुए देखूं यूनिवर्स की, तो आपके लिए जो एनर्जीज है इस वक्त उसके हिसाब से यहाँ पे थ्री ऑफ मून है। मुझे लगता है कि अगली बार जब आप कुछ विश करेंगे तो वो इमिडिएटली ट्रू होने की ताकत रखता है, अननोइंगली, मतलब आपको पता नहीं चलेगा और वो चीजें अपने आप हो जाएंगी जिसके बारे में आप सोच रहे थे। और ये आप लंबे समय से जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करते रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो चीज सामने आएगी। और यहां द मजिशियन का कार्ड है, साथ ही वो लोग भी आपके लाइफ से जाएंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं। आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि ये जो पर्सन आपके लिए चीटर था या चीटर रहा है, मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर जगह की बात कर रही हूं, चाहे वर्क प्लेस की बात हो, घर की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो, चाहे जहां की भी बात हो, अगर ये पर्सन जो भी था ये आपको नुकसान पहुंचा दे रहा है, तो आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि इसका जो काम है वो बिगड़ता जाएगा अपने आप, आपको जो सेटबैक करने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि यहां द कार्ड ऑफ लेडी है, मे बी आपके सपोर्ट में कोई ऐसी महिला आएंगी जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल लेगी। चाहने का मतलब है, अगर आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में कि आपको कोई सेटबैक देने की कोशिश करता है या कोई इश्यू होता है, तो यहाँ पे एक ऐसी लेडी आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, मे बी आपकी बॉस हो या जो भी हो, कि सामने वाला आपके सामने टिक नहीं पाएगा और पॉसिबली आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं इस चीज को नोटिस कर पाएंगे। या फिर जैसे कि अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं, तो ऐसा हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कि हर चीज आपके अगेंस्ट में जा रही हो एंड बहुत दिन के बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा सुनने को मिले कि आपके पार्टनर ने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली, उनकी फैमिली मान गई और उनकी फैमिली रेडी हो गई आपके रिलेशनशिप के लिए, हाँ कह दिया, चाहे किसी ने आपके बारे में कुछ भी प्लॉट किया। तो बात चाहे वर्क प्लेस की हो या बात हो आपके यू नो लव लाइफ की, तो यहाँ पे कोई ना कोई मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके अगेंस्ट में था और आपके खिलाफ जो भी प्लॉट कर रहा था उसके अगेंस्ट, एक पर्सन आपके अगेंस्ट में दिख रहा है, एक पर्सन ऐसा आपके सपोर्ट में दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपके अगेंस्ट में हमेशा रहा है, इसको बैक ऑफ करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन जो चीज आप सोच नहीं सकते थे पॉसिबल होगी वो यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिख रही है। और काट सकते हैं आपके लिए द गोल्डन लीफ, देख रहे हैं आप, ये एक वो लेके इसको मैं कहूं कि एक ब्लो लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जिससे आवाज निकालते हैं किसी फेस्टिवल या किसी भी शुभ मौके पे, किसी भी चीज की स्टार्ट पे, तो वो चीज यहां मुझे दिख रही है, ग्रीन सिग्नल। ओके, किसी चीज के लिए ग्रीन सिग्नल आपको मिल सकता है इस समय, किसी ऐसी चीज के लिए जिसके से आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे और आपने सोचा नहीं था कि पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट सरप्राइज आपके लिए यही होने वाला है। जस्टिस इन रिवर्स,
एबस. एट ऑफ मून. ओके, तो यहां जस्टिस इन रिवर्स आया. अब इस रीडिंग में इसका अगर हम मतलब ले तो जस्टिस इन रिवर्स का मतलब ये है कि आपके बारे में जो भी लोगों के व्यू थे, जो भी जजमेंट थे, वो बदल जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, और आपके बिना एफर्ट के. ठीक है, आप कोई एफर्ट भी नहीं करेंगे और आपके बारे में लोगों के व्यूज बदलेंगे, जजमेंट बदलेंगे, और कोई ऐसा पर्सन आके आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि यहां से मुझे कोई किसी तरीके का अप्रोच मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा. इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हमेशा इसको उसी तरीके से लें. और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले वीक की रीडिंग्स का लिंक भी देख सकते हैं और ईयरली रीडिंग का भी. तो यहाँ पे द एबस है, तो यहाँ पे एबस अगेन एक ऐसी महिला को दिखाती है जिनकी एडवाइस आप लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे वो महिला जिनकी एडवाइस आप लेते हैं, और यहाँ कोई और है जो आपसे कन्विंस्ड नहीं थी लेकिन अब कन्विंस्ड है जस्टिस के बाद, और आपके सपोर्ट में खड़ी होंगी. तो यहाँ पे वो महिला है जिनकी आप हमेशा से एडवाइस लेते आए हैं, और जरूरी नहीं है कि जेंडर फीमेल ही हो, मेल भी हो सकता है. तो यहाँ पे जिनकी आप एडवाइस लेते आए वो इस समय काम करेगा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो लोगों के व्यूज आपके बारे में बदलेंगे, और बिना ज्यादा कुछ किए लोग आपको समझ पाएंगे, द मजिशियन सामने आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ एज ऑफ मून है, यहाँ पे आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं, बट यहाँ पे एक जो सरप्राइज आपके लिए ये भी है कि कुछ आप ऐसा डिस्कवर करेंगे जो आपने सोचा नहीं था कि इन चीजों के साथ आएगा आपके पास, मतलब कि कुछ ऐसा, कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव वे में. ठीक है, आपने किसी चीज का पॉजिटिव साइड हो सकता है ना देखा हो, और वो ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखने लगे कि ओ इसमें ये भी था, ये मैंने नहीं देखा था, और पहले जिस चीज को आप नहीं देख पा रहे थे वो भी चीज आप देखेंगे. एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी भी आपके अंदर आएगी अपार्ट फ्रॉम दिस सरप्राइज. ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ मून के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको हेल्प भी मिलेगी ऐसी जगह से जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आपने चीजों, आप इस समय सोच रहे हैं कि चीजें रॉन्ग वे में जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें एक्चुअली आपके लिए टफ नहीं होने वाली, चीजें बेहतर होंगी जो भी हो रहा है इसके बाद. यहाँ एक रुकाव है, यहाँ एक ठहराव है, मगर आपके लिए चीजें हक में काम करेंगी. इस टाइम के दौरान दूसरे पर्सन को सोचने का मौका मिलेगा और आपके, आपको लेके उनका नजरिया बदल सकता है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिन्होंने सेकेंड डेक चूज किया है या फिश चूज की है उनके लिए क्या मैसेजेस है. टेन ऑफ मून, द पॉस्टुलेंट, थ्री ऑफ स्टार्स, द मून. ओके, अगर मैं आपकी रीडिंग देखूं जिन्होंने फिश चूज की है, तो कोई ऐसा पर्सन, यहां आप देख रहे हैं एक टावर है विद टेन ऑफ मून, सो ये इंडिकेट करता है कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत प्राउड है, बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इनके और आपके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था शायद कुछ वक्त से. ये थ्री ऑफ स्टार है, तो यहां मुझे दिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन, ये फायर आप देख रहे हैं. तो अगर ऐसा है वाकई में और कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो ये पर्सन जो है अपनी गलतियों को रियलाइज कर सकता है. ये पर्सन मुझे यहाँ बहुत सैड दिखाई दे रहा है, बहुत अकेला फील करता हुआ दिखाई दे रहा है,
इनको शायद ये फील हो रहा है कि हमेशा अगर वो अपनी बातों को ही ऊपर रखेंगे, अपने ईगो के कारण आपके बारे में नहीं सोचेंगे या आपके व्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर कितना उनको इमोशनल स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप अगर अपने कदम पीछे खींच लो उनके लाइफ में तो वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं। विद दिस कार्ड ऑफ द मून, यहाँ पे द मून का कार्ड है, तो यहाँ ये शो हो रहा है कि मून के कार्ड में कि आप ड्रीम कर रहे हैं और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, इसीलिए आप ड्रीम कर रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। और सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ ड्रीम में सोचें और आपको ऐसा लगे नेक्स्ट डे कि वही चीजें हो रही हैं ठीक उसी सीक्वेंस में, और आपको लगे कि आपका ड्रीम रिपीट हो रहा है, और पॉसिबली ये पर्सन जो है आपसे आके सॉरी बोले, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ये सरप्राइज आपके लिए पॉसिबल है। और वैसे ये जनरल रीडिंग है, सो ऑलवेज टेक इट लाइक दैट। एंड इसका जो आपका वीकली रीडिंग है और ईयरली रीडिंग की लिंक्स हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती ही है, वो आपको पता ही है। सो यहाँ पे टावर है, यहाँ ये दिख रहा है कि इनका ईगो जो है वो एंड पे आ रहा है अकेलेपन के कारण, ये जो सॉलिट्यूड है इनका, इसके कारण इनका ईगो एंड पे आ रहा है, ये आपको मिस कर रहे हैं लगातार, इनका फोकस आप पे पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है, और या इसीलिए आप भी शायद इनको ड्रीम में देखें, ठीक है। और पॉसिबली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा सॉरी कहने के लिए, ये आपके लिए एक सरप्राइज की बात हो सकती है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ये सामने वाला पर्सन ऐसे अप्रोच करेगा यहाँ पे जो ट्रावर है उसको लेके। बर्निंग टावर अगेन, काफी बर्निंग फायर फायर आपकी रीडिंग में। द सन, ओके, सो पॉसिबली आपके लाइफ में जो भी ऐसे लोग होंगे जिनको ये लगता था कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, या आपको वो इस तरह से फील करवाया करते थे कि आप अपने पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सारी चीजें जो है इनकी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ऑफिशियली से मेरा मतलब था पब्लिकली आपके लिए कुछ ऐसा पोस्ट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जिनसे ये जग जाहिर हो जाएगा आपके जो जो भी फ्रेंड्स या ऐसे फ्रेंड्स जो प्रिटेंड करते हैं कि वो फ्रेंड्स हैं, उनको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन जो है आपको वाकई मिस करता है, क्योंकि शायद ये लोग आपसे ये कहते रहे कि नो ये पर्सन आपको मिस नहीं करता या जो भी है, तो उसका जवाब इनको मिल जाएगा, ये पर्सन इस चीज के लिए आप रेडी रहिए। हो सकता है ये पर्सन कुछ पब्लिकली पोस्ट कर दे या इस तरह की चीज हो सकती है, हालांकि मुझे लगता है कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, यहाँ पे सन है, ठीक है। सो सन के साथ मुझे यहाँ दिख रही है खुशी, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अगर अपने फैमिली मेंबर को आपके बारे में नहीं बता रहा था, तो ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर से आपके बारे में बात करे और आपकी फैमिली से भी बात करे और डिस्कशन शुरू करना चाहे इस टॉपिक पे कि आपके रिलेशनशिप को आगे किस लेवल पे ले जाना है। और इवन इफ ये वर्क प्लेस की मैं आपके बात करूं, और अगर ये आपके बॉस हैं, तो इनको भी आपकी वैल्यू पता चलेगी कि वो हमेशा अपने सजेशंस को ऊपर रखते रहे, लेकिन आपकी आपके भी सजेशंस जो थे वो अच्छे हुआ करते थे, या आप भी उनके लिए बहुत वैल्यूएबल इंसान थे, उनको भी ये रियलाइज होगा। एंड हो सकता है कि वो भी आपको कहें कि प्लीज गेट बैक, या कुछ ऐसा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या सॉरी फील करें, इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके लिए भी लव रिलेशनशिप में, चीजें हो सकती हैं कि पूरी संभावना है। देखते हैं कि थर्ड कार्ड में क्या रीडिंग है। लेट्स चेक द थर्ड डेक जिन्होंने टॉर्टोइस चूज किया है।
थ्री ऑफ स्वेयर, कॉर्डलर, नाइन ऑफ स्टार्स। ओके, जिन्होंने थर्ड जज चूज किया है उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहां पे मुझे दिख रही है हीरोइक एक्शन की। हीरोइक एक्शन इन द सेंस, हो सकता है कि आप किसी ट्रबल में पड़ जाए और कहीं से कोई ऐसा पर्सन आए आपके लाइफ में जो उस ट्रबल को एकदम से आसान कर दे, सेवियर कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी परेशानी में पड़ते हैं तो उस पर्सन को जरूर नोटिस कीजिएगा जो आपको इस परेशानी से निकाल रहा है, क्योंकि वो एक आपके लिए सरप्राइज होगा कि वैसे पर्सन, आप उस पॉइंट पे सोचने लगेंगे कि ऐसे पर्सन भी दुनिया में है क्या, या ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या। आपने इस बार में सोचना बंद कर दिया था, आपको ऐसा लग रहा था कि सब ऐसे ही है, सब बुरे ही है। नो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जरूर कुछ अच्छे लोग अभी बाकी हैं और ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम कोई आपके लिए बहुत सपोर्टिव, बहुत डिफेंसिव होके सामने आएगा और आपके लिए एक सेवियर की तरह एक्ट करेगा। उस पर्सन की तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स वो आपको यूनिवर्स का भेजा हुआ होगा। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स या नाइन ऑफ स्टार्स का मतलब है कि ये जो पर्सन है ये आप जैसा विश करते हैं वैसा ही है कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपको वाकई में मिलता है, जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई पर्सन वाकई में मिलता है तो उस पर जरूर ध्यान दे, जो आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार हो और जो आपकी वैल्यू समझता है और बेहतर पर्सपेक्टिव रखता है आपके लिए। यहाँ पे थ्री ऑफ स्फेयर है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके के नए एग्रीमेंट्स आप नेक्स्ट टाइम साइन करेंगे जब भी, तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियल सिचुएशन में खुद को पाएंगे वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे आपके लिए चैलेंजेस बड़े होंगे लेकिन रिवॉर्ड्स भी बड़े होंगे। ठीक है, थ्री ऑफ स्पेयर से देखिए और क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसको, ये क्या है। अगर आप वीकली और ईयरली रीडिंग्स देखना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाइन ऑफ मून। ओके, मुझे लग रहा है आपके लिए ये जो पर्सन है ये आपका लाइफ पार्टनर तक साबित हो सकता है। पॉसिबली ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे ही होगा। ठीक है, आप वर्क प्लेस पे जहां भी जा रहे हैं ये कोई नया पर्सन हो सकता है या ऑलरेडी आपके वर्क प्लेस पे है जिसको आपने कभी नोटिस नहीं किया। आपके प्रॉब्लम के समय ये एकदम से इमर्ज होगा एज अ सेवियर, आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी, आप ये रियलाइज करेंगे ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते थे कि आपको लाइफ पार्टनर मिले। और यहां मुझे एक मुझे लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपको ये रियलाइज होगा कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है। ये आपके लिए सरप्राइज होगा क्योंकि आपके पास चीज आसपास थी शायद और आप रियलाइज ही नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो जरूर ध्यान दें। जजमेंट, इनिशिएट। ओके, कभी कभी चीजें हमारे आसपास होती है, बहुत सारे साइंस होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पे द जजमेंट का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्दी आप एक मैरिड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। नेक्स्ट सरप्राइज आपके लिए यही होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ऐसा मिल सकता है, आप किसी ऐसे से टकरा सकते हैं जो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। आप बिल्कुल से डिसीजन लेंगे कि आपको इनसे शादी करनी है
और यहाँ पे कार्ड है इनिशिएट का, यहां से आपके लिए एक नया रिलेशनशिप शुरू होगा जो बहुत ही लवली और यू नो हैप्पीनेस से फिल्ड होगा। और यहाँ कार्ड है इनिशिएट का, आप चाहें तो चीजें पॉजिटिव वे में इनिशिएट होंगी। हालांकि इस चीज को पहचानना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस मौके को जाने ना दें और अपने आप को अवेलेबल रखें, क्योंकि कभी कभी हम अपने इमोशंस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि अच्छी चीज हमारे आसपास होती है इस पर ध्यान नहीं देते। इमोशंस टेम्पररी होते हैं, वो आपको छोड़ देंगे कुछ समय के बाद, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे पर्सन को छोड़ दिया अपने इमोशंस के भंवर में या जाल में, तो फिर ये पर्सन आपको दोबारा मिले कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा था और यूनिवर्स की नेक्स्ट ब्लेसिंग साथ आपके लिए एक ऐसा पर्सन है जिसकी आप कब से तलाश कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन वो आपसे टकरा सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपके लिए क्या नेक्स्ट सरप्राइज होगा यूनिवर्स का। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।